तबीयत खराब थी। अच्छा बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तभी यहाँ लेकर आए। कह रहे हैं डॉक्टर कि खुद से खाना पीना छोड़ दिया है बिल्कुल, इसलिए पेचीदगी हो गई है, लेकिन अभी बेहतर है। मीनू अगर बाबा को कुछ भी चाहिए तो आप सैम को बता दीजिएगा, वो कल भी आएंगे। आओगे कल? जी हाँ, और तब तक आता रहूंगा जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाए। आंटी, अगर आपको लगता है कि फजर नाराज होके घर आई है तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस आप यूं समझ लीजिए कि ये अंकल का ख्याल रखने के लिए, और जैसे अंकल ठीक होंगे तो मैं फजर को घर लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ, माफ़। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत देर कर दिया आज। जी अम्मी, और खाना भी खाया हूँ मैं। ऑफिस से खाया खाना? हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल? क्या करने गए थे हॉस्पिटल? अम्मी, वो फजर के अब्बू की तबीयत नहीं ठीक, उनसे मिलने उसकी अम्मी यहाँ आकर तुम्हारी अम्मी की इंसल्ट करके जा रही हैं और तुम उनसे मिलने के लिए जा रही हो? पता नहीं अम्मी उन्होंने आपकी इंसल्ट की है कि नहीं की, लेकिन अंकल इतनी सीरियस कंडीशन में होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा फिक्रमंद इसी बात में थे कि मेरी वहां खातिर हो रही है कि नहीं। वो तलाक चाहते हैं। नहीं अम्मी, आपको लगता है, क्योंकि ना मैं तलाक चाहता हूँ, ना फजर तलाक चाहती है, और ना ही आंटी। हाँ अलबत्ता वो जो रिश्ते वाली औरत आती है आपके पास, वो ही मुझे मिली थी, और उसने मुझे कहा कि वो लोग कोई लड़का ढूंढ रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। काफी कान भरे हैं उन्होंने मेरे खिलाफ, है ना? बिल्कुल, क्योंकि मैं जब वहां गया हूँ तो आंटी एक्चुअली बुरा फील कर रही थी और वो आपसे माफी मांगना चाह रही। उन्होंने तो एक बात भी नहीं की आपके बारे में, यही चाहती है ना कि वो आपसे आके माफी मांगे अपने रवैये की वजह से। कहना क्या चाह रहे हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला है? ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? मुझे आपकी हर बात पे एतबार है, और आप मुझसे झूठ नहीं बोलती, ये मुझे पता, क्योंकि ये सब तो महज एक इत्तफाक है ना, है ना? मुझे नहीं पता,